खोड़ पंचायत के द्वारा तालाब की जन सहयोग से हो रही साफ सफाई व मरम्मत। खोड़ पंचायत सरपंच एवं सचिव के द्वारा लोगों के जन सहयोग एवं भागीदारी से खोड़ के तालाब की साफ सफाई व मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। यह बताना होगा कि खोड़ का यह तालाब पिछले 50 वर्षों से खोड़ क्षेत्र के जल स्तर को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खोड़ पंचायत को जल की आपूर्ति करता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से यह तालाब देखरेख के अभाव में अनेकों जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही तालाब में एक मगरमच्छ ने भी अपना डेरा जमा लिया है, जिसके चलते लोग अब तालाब पर आने में काफी डरते हैं। पंचायत स्थानीय लोगों के द्वारा जन भागीदारी व सभी के सहयोग से तालाब की साफ सफाई का कार्य करा रही है, जिसके चलते अब शायद तालाब की दशा बदली हुई दिखाई देगी। देखिए क्या कहा खोड़ पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा ने खोड़ से आबिद बक्स पत्रकार की रिपोर्ट। जैसा कि आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा ये इस तरह का कार्य जन सहयोग से कराए जाने के हमें निर्देश और उनका मार्गदर्शन मिला था कि पुराने जलाशय जो उनका साफ सफाई कराई जाए, उनका गहरीकरण कार्य जन सहयोग से कराया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपनी सहभागिता इसमें निभाएं। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ आज ये तीसरा दिन है, 12 तारीख से हम कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। लोगों के जन सहयोग से हमने ये अभी पिचिंग भराई का कार्य कराया, जो काफ़ी लोगों ने आगे आकर ग्रामीणों ने यहाँ पिचिंग का कार्य कराया। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा जन सहयोग से हमारे जलाशय को शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है, जो और जो कीट वगैरह जमा थी उसको हटाया जा रहा है। ये सभी कार्य हम जन सहयोग से कर रहे हैं, इसमें किसी तरह कोई फंड नहीं। सर, यहाँ पे जानकारी आ रही है कि इस जलाशय में, इस तालाब में कोई एक वन्य प्राणी मगरमच्छ है, जिसके चलते लोग यहाँ पे थोड़ा सा आने में डरते हैं, बच्चे वगैरह भी आने में डरते हैं, तो उसके लिए पंचायत के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, अभी ऐसा आपके माध्यम से मुझे पता लगा है, अगर इस तरह की जानकारी मिलती है, आपने बताया है, हम पता करेंगे, वन विभाग को इसके लिए पत्र लिखेंगे कि इसको मगर से मुक्त कराया जाए इस तालाब को, क्योंकि ये शहर के बीच में है और यहाँ पर मूर्ति विसर्जन और ताजिए विसर्जन का कार्यक्रम इसी तालाब में होता है, तो ये काफ़ी कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसलिए हम वन विभाग को इसके लिए पत्र लिखेंगे और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे।